otherwise ineffective or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. So my submission is, sir, that we have convened this house with the agenda. Agenda was issued by the assembly. Agenda is for yesterday for administration of oath and today for election of the speakers. And in any case, as my colleague has said, ये जो हुक्म कर रहे हैं, अगर ये देख तसव्वुर कर भी लिया जाए कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, तो 6.4% वो हैं जो अभी तक नहीं आए, 27 मेंबर. इट इज अबाउट वोट्स. ये गिनती है कि किस तरफ कितने बैठे हैं. जमहूरियत तादाद पे है, जमहूरियत नंबरों पर है सर. इट इज अबाउट नंबर्स. यू हैव टू काउंट देम. इफ आई एम सिटिंग हियर विद 225 members, if these 6% are even not there, so it is inconsequential, sir. Inki baat khatam ho jaye by any length of imagination, can we construe ki agar ye 26 arakeen jo ki matter sub judice hai aur aapke ilm mein hai, aap se behtar koi nahi janta, ye sare arakeen jante hain ki jab koi matter sub judice hota hai तो ये अगस्त फोरम उस पर बात भी नहीं कर सकता सर. इट इज सब जुडिस. राणा साहब, इनके पास 300 हैं, 200 हैं, दिस इज नॉट द इशू. इशू ये है कि हाउ कैन यू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अगर ये इस नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक गलत बात हुई है, नहीं होनी चाहिए थी मेंबर्स का, मगर वी आई हैव रेज दिस इश्यू ऑन ए पॉइंट कि कोई भी है, हार जीत इज इमेटेरियल, यू हैव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ दिस इलेक्शन. ये आपको ठीक है आपके जहन में, हाउ कम यू नो को जब सीक्रेट बैलेट हो तो आप ना हो, हाउ हैव यू प्रज्यूम कि आपके पास इतने हैं. ये प्रजम्पशन है. आपने तो आपके तो जहनों में ये भी था कि 8 फरवरी को ये रिजल्ट आया, जब आपके 70,000 वोट से हार गए तो फिर 9 तारीख को वसीम गया. ये एक्चुअली पावर वेस्ट विद अवाम के साथ है, उनके पास ताकत है. ही कैन नॉट डिसाइड द इशू कि ये जो हमारे पास 200 है, मैं कहता आपके पास 400 है, बट यू कैन नॉट डिप्राइव माई मेंबर्स हु हैव टू फाइट दैट. आपका ये मत करेंगे. बाकी ये कह रहे हैं कि जी कौन से, मुझे बताएं कहां लिखा है कि यू कैन नॉट पोस्टपोन दिस इलेक्शन फॉर 2 डेज. मुझे ये बता दें, ये मैनेज कर दें कि आपका आर्टिकल जी इसमें. मैं सर चाहता हूं कि ये बहस बराए बहस क्योंकि मेरे सामने दो चीजें हैं जी. एक आपका जारी करदा एजेंडा. अब क्योंकि आपका इख्तियार, आप पुश्तो भी बोल, और कंडक्टिंग द इलेक्शंस इस चीज की इजाजत नहीं देता. इट इज अल्ट्रा वायरीज टू द प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के ताबे मैं और आप यहां बैठे हैं. अनलेस दैट प्रोसीजर इज देयर एंड दिस इज एजेंडा इज हियर सर. हमारा सिर्फ एक बिजनेस है टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस, और वो है सर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. अब रही बात सर दूसरी. अब रही सर बात जो ये कही कि सीक्रेट बैलेट है सर. यस सर, ये हाउस है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सीक्रेट बैलेट है, लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू आइल्स. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक बेंचेस पर हैं, कुछ लोग एक बेंचेस पे. सही है. तो अददी शुमार नजर आता है सर, उसमें कोई कहने की बात नहीं है. जरा हाफिज साहब, राणा साहब, जरा हाफिज साहब को बात कर. नहीं, लीगल रेमेडी तो लीगल सबका हक है ना, उसको तो कोई नहीं रोक रहा सर. बेटा ये सीखो, अभी आपने बड़ा सफर करना, सीख लो जरा तसल्ली से. यू हैव स्टिल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर ए पार्लियामेंटेरियन. मेरी गुजारिश है कि आप इस पे रूलिंग दे कि आपके इख्तियार में ये है कि आप 2 दिन आगे कर सकते हैं, वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. रूलिंग देता हूं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल सर. सर आप थोड़ा सा देखें, लेट दिस प्रोसेस बी क्रिस्टल क्लियर, ताकि किसी मुझे ये इनको दें, कॉन्स्टिट्यूशन दें. सर एक सर जरा एक देख लेना, तनु समझाने उर्दू. ये आप क्या पढ़ रहे हैं, 25? हाँ जी, मैं एक मिनट जरा आपको पढ़ दूं जी. नहीं राणा साहब, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं आर्टिकल 25 जी. ओके,
उसमें लिखा है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आप देख लें कि इसमें इक्वल राइट है उसमें लेडीज ने आना है देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल राइट है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं राइट है तो आप इसको आराम से लेकिन आप पोस्टपोन कर दें मैं सर अर्ज करूं एक सेकंड मलिक साहब जनाब स्पीकर इनकी बात राणा साहब कर रहे हैं दे आर एलियन टू द प्रोसीडिंग ये बात है मेंबर नोटिफाइड ही नहीं है देखिए दे आर नॉट इवन द मेंबर राणा साहब एक मिनट उनको बात करने मैं एक बात करना चाहता हूं कि कानून में ये कहां लिखा है कि आप जब तक हाउस फुल ना हो और आप इलेक्शन करवा दें एक चीज दूसरी बात मैं मलिक अहमद खान साहब का बड़ा मौत के दूं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सियासी कचरा जिसको डिक्की में भर के कहीं डंपिंग स्टेशन में डालना था उसको डंपिंग की बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला आज वो बेल्जियम में दर पर्दा फिर रही है गुजारिश ये है गुजारिश ये गुजारिश ये सर ये तो कोई बात नहीं अगर राणा आफ्ताब बात कर रहे थे तो इट वाज ऑल राइट बट दिस इज नो क्विट ये सर आप इलेक्शन कर रहे हैं ये जरा आप बैठे तशरीफ रखें एक मिनट ये सर बात ये है ये दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस ये आपने क्या कहा ये सर ये कोई मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये अल्फाज आप वैसे तो ये सारी कार्रवाई से हजफ दिस इज नॉट इवन रिकॉर्डेड ये तो कोई बात ही नहीं है कार्रवाई से सर मेरी दरख्वास्त है आप इलेक्शन कंडक्ट कराएं ऑर्डर 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 इन द हाउस मेरी दरख्वास्त है मेरी एक बात सुन लें मरियम बीबी एक मेरी बात सुन लें देखें